दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप लोग देख करके ही जाओगे। तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं, अलग अलग राज्यों से बहुत सारी खबरें हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। सबसे पहले बता दें कि आईटी की मुड़ेर पर चढ़ेगी और बढ़ेगी शिक्षा की बेल। एक बहुत बड़ी खबर यह है कि अभी जो आपका बदलाव होने जा रहा है प्री प्राइमरी के बाद का, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताएंगे। जो आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको एक टैबलेट भी दे दिया जाएगा, और यह सब क्यों होगा, क्या होगा, वो सब आपको पता चलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और भी बहुत सारी खबरें इस वीडियो में आपको आज मिलने वाली है। यहां पर बता दें कोरोना महामारी के कारण प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा प्रौद्योगिकी का दखल, नए साल में विस्तार पाएगा। पढ़ाई के साथ अब स्कूलों की निगरानी के लिए भी आईटी का सहारा लिया जाएगा। नए साल में प्रदेश के 159,000 जो यहां पर परिषदीय विद्यालय हैं, उनकी ऑनलाइन निगरानी के लिए इन स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से टैबलेट मुहैया कराने की योजना सरकार जो है वो अपना लेकर के आई, और वो बहुत जल्द साकार भी हो जाएगी। टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों की ई लर्निंग और शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी किया जाएगा। स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन जो है यहां पर, जो आपका कायाकल्प टाइप का जो भी है, वो अब इस साल 2021 में जो है पूरा होता दिख रहा है। अभी आपको बता दें इस टैबलेट के जरिए आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों की भी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, और उसके जरिए आप लोगों को भी अपना बायोमेट्रिक जो है वहां पर प्रेजेंटी वगैरह दिखानी पड़ेगी। तो यहां पर बहुत सारे काम है जो आप लोगों को इस टैबलेट के जरिए बढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई का जो मैटर वो पहले से आप जानती हो, ट्रेनिंग होने के बाद में आपको कैसे पढ़ाना है उसके लिए नया पाठ्यक्रम हो या जो भी खबरें हैं वो सब आपको ऑल इंडिया ने समय समय पर दे दी हैं। आगे चल रहे हैं इस वीडियो में, आपको ट्रेनिंग के विषय में बहुत सारे जिलों से भी जानकारियां देंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं आपको इस वीडियो में देखने के लिए। आगे चलते हैं, बता दें प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालित करने का अभियान नए साल में मूर्त रूप अपना लेने वाला है। नए साल में आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने की तैयारी जोर शोर से जारी है, जहां 3 से 6 वर्ष के बच्चे नौनिहाल खेल और मनोरंजन गतिविधियों के जरिए स्कूली शिक्षा को आत्मसात करने का हुनर सीखेंगे, जो आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से होगा। परिषदीय प्राथमिक जो स्कूल है वहां की कक्षा 1 में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएंगी। 9 वर्ष में परिषदीय स्कूलों के क्लासरूम जो है यहां पर प्रिंटरिज शैक्षिक सामग्री में सुसज्जित होकर नए जो है यहां पर क्लेवर में नजर आएंगी। साथ ही साथ बता दें यहां पर नए साल में माध्यमिक स्कूलों को भी कौशल विकास केंद्रों से जोड़ा जाएगा, और विद्यार्थी अपने कोर्स के साथ इंटर्नशिप वगैरह भी करेंगे। साथ ही कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी और कॉमर्स विषय में भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। यह बदलाव अप्रैल से लागू हो जाएगा। ज्यादातर विषयों में पहले से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। अप्रैल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा, जिसकी शताब्दी समारोह पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। प्रयागराज में इसका आरंभ होगा और समापन वगैरह लखनऊ में किया जाएगा। इसके आगे आपको बता दें राजकीय डिग्री कॉलेज के जो है विद्यार्थियों को भी नए साल में टैबलेट से पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा, और आकांक्षी जिलों के कॉलेजों में भी सबसे पहले टैबलेट दिए जाएंगे या कॉलेजों की लाइब्रेरी में रखे जाएंगे, और इसमें प्री लोडेड ई जो है यहाँ पर कंटेंट आपका मिले जाएगा, यानी जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप का है, जैसे आप पढ़ाई करते हो जो है आप जैसे मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से या अन्य तरह से गूगल सर्च करके कुछ भी तरीके से पढ़ते हो, मतलब जो आपका किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए आप पढ़ाई करते हो उसको ई लर्निंग बोलते हैं। आगे बता दें यहाँ पर विद्यार्थी इंटरनेट के बिना जो है भी आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 28 विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया नए साल में आकार लेने की उम्मीद है, और राजकीय डिग्री कॉलेज में भी ई लर्निंग पार्क बनेंगे। ऐसे यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट की सुविधा को लेकर के भी ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दे दिया जाएगा। स्नातक और पनास्नातक के विद्यार्थियों के लिए भी जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक वगैरह की भी स्थापना होने जा रही है। ऐसे करके बहुत सारी खबरें हैं जो आपकी शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से बदलने वाली है 2021 में। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड भी इस वीडियो में बहुत सारा है। जैसे यहां पर एक आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैं भी जो है डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से है, मुरादाबाद से, और यहां पर गाजियाबाद जिला है, और आपको बता दूं ब्लॉक इनका मुरादनगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है। साथ ही बताना चाहेंगे ये बहन है, इनका नाम है जो अनीता रानी, और ये एमएड वगैरह किए हैं। इनका कहना, देखो मैं जो है एमए और बीएड वगैरह किए हैं, एमए किए और बीएड किए हैं, मुझे जो है यहां पर टीचर के लिए जो उनका कहना है अप्लाई करना होगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर बता देना। तो बहन कैसे करना होगा, अगर आप बीएड पढ़ी है, बीएड किए हैं, तो आप लोगों को खुद ही पता होगा कि जब सहायक अध्यापक की भर्तियां आती हैं तो कैसे क्या करना होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बीएड किया तो आपको इतना तो अनुमान होगा
भाई, वरना आपने बीएड किया नहीं होगा, अगर किया होगा तो आपको पता होगा। इसके अलावा देखिए, ये एक बहन है, इन्होंने लिखा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है और इन्होंने भी बीएड वगैरह किया है लेकिन टीटी वगैरह वो पास नहीं कर पाई है, बताएं भैया जी मैं क्या करूं। तो बहन, पहले तो आपको टीटी पास करना है। देखिए, जो भी कोई भाई बहन अगर डीएलएड करता है या बीटीसी पहले चलता था, या मान लीजिए बीएड की डिग्री आपके पास है, बीएड आपने किया है 2 वर्षीय कोर्स बीएड का, ऐसे करके आपके पास कोई डिग्री है जो आपके सहायक अध्यापक भर्ती में ली जाती है, तो ही आप उसमें फॉर्म डाल पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक टीईटी की परीक्षा भी देनी पड़ती है, जिसको हम टीईटी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो टीईटी आपको पास करना होता है, उसके बाद एक सीटेट का भी पेपर होता है, सीटीईटी वगैरह बोला जाता है। तो ये दोनों परीक्षाएं आपको देनी होती है। अभी फिलहाल के लिए जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला था, उन्होंने अभी उनका परीक्षा फरवरी में लगा हुआ है। बाकी जो अभी टीईटी का फॉर्म है, उसके लिए भी जो अभी आने वाले समय में टीईटी के जो है फॉर्म आएंगे, तो बहुत से लोग अपना टीईटी में जो आवेदन करेंगे वो लोग अपना टीईटी का एग्जाम देंगे। और टीईटी के एग्जाम वही देते हैं जो या तो डीएलएड, बीटीसी या फिर बीएड वगैरह कोई ना कोई कोर्स कर चुके होते हैं, जो सहायक अध्यापक भर्ती में मान्य होता है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बता दें, देखो आने वाले समय में सहायक अध्यापकों के 51,000 पद आने वाले, तो ये सरकारी अध्यापक बनने वाले हैं। 51,000 जो पद आएंगे, इनमें जो है शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें, देखो लिखा हुआ न्यूज सुनकर जो है यहां पर बहन का कहना है खुशी मिलती है। और ये जो है 5 साल वगैरह प्राइवेट उन्होंने पढ़ाया है, 1995 उन्होंने बीटीसी की परीक्षा भी दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पैसे ना होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाई हूं, भैया आप कुछ परामर्श दे सकते हैं। तो ये यहां पर शायद किरण देवी होंगी, उन्होंने गलत लिख दिया, एटा उत्तर प्रदेश से है। तो बहन, पहली बात तो देखो, ये ऐसे मामलों में शिक्षक भर्ती के देखो जो नियम होते हैं, नियम कायदों के आधार पर ही चलना होता है और का आपको भी पालन करना होगा। कोई भी भाई बहन हो, जो भी चीजें होती हैं उनको तो करना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बिना कुछ किए ही हो जाएगा। तो आगे चलते और आपको बताना चाहेंगे, ये देख लीजिएगा एक खबर आई, शीतल बहन है, इन्होंने अपना बैंक से रिलेटेड जो निर्वाचन कामों में चीजें मांगी जा रही हैं, आपके जो खाता संख्या हो या अन्य तरह से जो आधार कार्ड है, वो सब मांगा जा रहा है, फॉर्म भरवा करके आपको जमा करना है। उसके बारे में हमने पूर्व में बताया था, शीतल बहन के द्वारा ये देखो भेजा गया था। इसके अलावा आपको बता दें, अंबेडकर नगर में भी एक ये जानकारी शीतल बहन ने भेजी हुई थी। चलिए इस सरकारी आदेश पर हम लोग अपना नजर दौड़ा लेते हैं एक बार फटाफट। तो यहां पर डीपीओ महोदय हैं अंबेडकर जिले के, 4 जनवरी को लेटर उन्होंने निकाला है और इसमें लिखा हुआ है कि 2 जनवरी में दिए गए निर्देश के अनुसार जो है किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत होने वाली गोष्ठी, मेला या प्रदर्शनी, इनमें प्रत्येक विकास खंड में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की जानी है। तो यहां पर देख लीजिएगा, किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी वगैरह देनी है। जैसे 6 तारीख को जो है यहां पर कल हुआ होगा अकबरपुर और आपका कटहरी एवं भीठी वगैरह में जो विकास खंड पढ़ते हैं, साथ ही साथ 13 जनवरी को होगा आपका टांडा और बसखारी एवं जो है लालपुर वगैरह में, साथ ही साथ 21 जनवरी को होगा भियाव वगैरह में और जहांगीरगंज में एवं रामनगर में। ये आपके अंबेडकर नगर जिले जो है जिले के विकास खंडों के नाम है, वहां पर जो है ऐसे चीजों के बारे में आएगा, किसानों को जागरूकता दी जाएगी, प्रदर्शन, मेला, गोष्ठियां ऐसे आयोजन कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते और आपको बताते, झांसी जनपद से एक लेटर हमारे पास आया था और ये 31 दिसंबर को निकला हुआ था 2020 में और ऑपरेशन वगैरह गाइडलाइन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में जारी था। यहां पर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने और सहायिका बहने हैं, तो इनको ऑपरेशनल जो है गाइडलाइन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के प्रशिक्षण वगैरह कराया जाना था 1 तारीख को, जो कि झांसी जनपद में करा दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं, एक और हमारे पास ये मैसेज आया था, इसमें खबरों में देखिए, सुविधाओं संघ जो है शिक्षा का केंद्र बने आंगनबाड़ी केंद्र, ये एक खबर निकली थी, अभी आपकी प्री प्राइमरी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, बस्ती जिले की, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी ये ट्रेनिंग वगैरह वहां पर पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आगे आपको ले चलते हैं और भी जानकारी, जैसे एक ये खबर हमारे पास आई है, ये बहन है, इन्होंने लिखा, भैया जी नमस्ते, कल रविवार होने के बावजूद मेरे केंद्र पर समूह वाली महिला आई दाल वितरण के लिए और जल्दी जल्दी करके चली गई, कुछ लाभार्थी रह गए हैं, क्या भाई इस तरह से वितरण होता है? ये ब्लॉक में बैठे जो है यहां पर उनका कहना है, जो एडीओ उन्होंने लिख दिया है, शायद कुछ और लिखना चाहती होंगी, सर की जो है गलती है, कहीं एक दिन में जो है सारा वितरण हो ही नहीं सकता है, मैं जिला सीतापुर ब्लॉक मचेरटा वगैरह केंद्र गेंदरिया, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। तो एक देखो, एक दिन में कैसे होगा नहीं होगा वो बहनों पर डिपेंड करता है या वहां के समूहों पर भी डिपेंड करता है, कैसे क्या मैटर चल रहा है। फिलहाल कच्चे राशन का हाल बहुत ही खराब है उत्तर प्रदेश में, काफी जगह ये बटा ही नहीं है और ऐसे खाना पूर्ति बस की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, एक खबर ये देख लीजिएगा, कुपोषित बच्चों की अब घर घर होगी पहचान, सरकार को क्या चाहिए आंकड़े, और अखबारों में भी छपते क्या है आंकड़े, सरकार यहां पर दिखा रहे कुपोषित बच्चों की घर घर जाकर के पहचान होगी, लेकिन ये नहीं देख रहे कुपोषण क्यों बढ़ रहा है और उस कारणों को रोका जाए, क्यों बढ़ रहा है उन कारणों को पहचाने और उस कुपोषण को रोके। अभी कच्चा राशन का वितरण जो है हो नहीं पा रहा है और बच्चों को जो है जो भी पौष्टिक चीजें वो पहुंच भी नहीं पा रही है,
तो कैसे कुपोषण मिटेगा। इन चीजों का सरकार भी तो कुछ सोचे, इन चीजों के बारे में देखिए क्या होंगे सवाल, जैसे बच्चा ठीक से खाना खाता है या नहीं, ऐसे करके तमाम सवाल भी हैं जो उनके घर परिजनों से पूछे जाएंगे। जवाब में क्या आएगा, आप सब भाई बहन पढ़े लिखे हो, भली भांति जानते हो। ये बिहार के पटना से खबर छपी थी, आप देख लीजिएगा। पटना में भी हाल वही है, क्योंकि यहां पर सरकार ओटीपी व्यवस्था को लेकर के जो लेटर निकाल रही है, जिसके कारण जो है यहां पर वितरण में कठिनाई आ रही है, तो बहुत से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में कच्चा राशन में जो ये सब लफड़ा चल रहा है, यहां पर भी पूरा सरकार की जो व्यवस्था है पूरी फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि यहां पर अभी उनकी तैयारियां थी नहीं और सब आगे बढ़ गए, और इसीलिए काफी जगह ब्लॉकों पर सामान ही नहीं पहुंचा और कुछ हो नहीं पाया। बिहार में भी हाल ऐसे ही है, यहां पर भी कच्चा राशन का सिर्फ ढोल ढिंढोरा पीटा जा रहा है और बाकी अखबारों में सिर्फ जो ऐसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा देख लीजिएगा, एक और ये मैसेज आया था, बोरी या कैरी बैग ही लाएं, ऐसे करके बहन को भेजा गया है। और ये बहन है जिला जो है बिजनौर की, और जिला अधिकारी जो है बिजनौर के, उन्होंने ये 2 तारीख को एक लेटर निकाला है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रभावी संचालन से जुड़ा हुआ लेटर है। शायद आपको याद होगा, निदेशालय से जारी सूचना कन्या सुमंगला योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए। तो ये हमने आप लोगों को प्रारूप और बहुत अच्छे तरीके से कुछ समय पहले, लगभग 7 या 10 दिन पहले ही आपको हम बता चुके हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में धीरे धीरे निकलने लग गए हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको नहीं बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, मैनपुरी जनपद से 31 दिसंबर को एक लेटर निकला था, और ये मैनपुरी जनपद में भी आंगनबाड़ी बहनों, आपकी जो ट्रेनिंग है प्री प्राइमरी वाली, वो बीएलटी ब्लॉक लेवल की, वो भी 4 दिवसीय प्रशिक्षण आपका शुरू हो गया है। ये आप देख लीजिएगा, 4 दिवसीय प्रशिक्षण जनपद में ये कराया जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हो। तो बीएलटी प्रशिक्षण जो संलग्न सूची भी यहां पर दे दी गई, जिसमें एक मुख्य सेविका, एक मुख्य सेविका है और जो 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसे करके इसमें देखो लिख दिया गया है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, तो प्रशिक्षण उनका जो भी है वो उनका 2 तारीख से वहां से स्टार्ट हो गया है मैनपुरी में, तो अच्छी बात है। बाकी बहनों भी आप लोग अपना देखते रहना। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहां पर ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ था, नियमानुसार जो टीए है उसका भी भुगतान किया जाएगा, ऐसे करके भी जानकारी इसमें दे दी गई थी। लेकिन इसके अलावा राधा कुमारी बहन ने भी एक जानकारी भेजी है, ये उनके वहां पर राशन का वितरण किया जा रहा है, और यहां पर तस्वीर भी उन्होंने भेजी हुई है, और साथ ही साथ जो है उन्होंने इसमें लिखा भी हुआ है 3/1 तारीख को जो है, यानी 3/1/3 का मतलब 3 जनवरी और 1 जो है यहां पर जनवरी है, उनका महीना 1 है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहां पर भी राशन बांटा जा रहा है। इसके अलावा एक खबर और मेरे पास आई हुई थी, उत्कृष्ट कार्य पर मिला है सम्मान, ये खबर छपी थी, काफी बड़ी है, साहेबगंज वगैरह से लेकर के। क्योंकि देखो, जब भी किसी बहन को हमारी सम्मान दिया जाता है तो ये गर्व की बात होती है, और ये यहां पर हमारी बहन है आंगनबाड़ी सेविका रंजना कुमारी, उन्होंने जानकारी मुझे भेजी हुई थी, और उन्हीं को शायद ये सम्मान दिया गया है। डीएम है चंद्रशेखर जी, उन्होंने ही ये साहेबगंज वगैरह में बहन को दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, नवाबा जो है नवादा वगैरह भी पड़ता है, ये आपका बिहार में है, और यहां पर 30 तारीख को एक लेटर निकला था, और इसमें लिखा हुआ कि विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का सत्यापन करने के संबंध में लेटर आया था। इसमें है कि अनुरोध है कि सूची के अनुसार वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र जो संचालित हैं या फिर नहीं है, इसका जो स्थलीय जांच यानी जमीन पर जाकर के अपना देखिए, और सत्यापन जो प्रतिवेदन है वो 3 दिन के अंदर जो है कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। ऐसा करके जो है यहां पर 30 तारीख को लेटर निकला था, काफी समय हो गए लेकिन अभी तक पता नहीं ये सूचना वहां पर पहुंची है निदेशालय को या नहीं गई है। इसके अलावा आपको बताते, एक और मेरे पास जानकारी आई है, ये देख लीजिए, एक मैसेज आया है, विद्या देवी बहन है जालौन जिले से, इन्होंने भी राशन का वितरण किया और फोटो भी उन्होंने भेजी। इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और सरकारी आदेश ये मेरे पास लगा हुआ है, ये है 31 दिसंबर का, शायद आपको याद होगा, ये अमित मोहन प्रसाद जी है, शायद ये आदेश हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें प्रत्येक रविवार को जो है मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है, उसी के संबंध में लेटर आया था और इसमें सारी जानकारी दी हुई है कैसे क्या उस मेले को मनाया जाएगा। और फिलहाल आप लोग COVID-19 का विशेष तौर पर ध्यान रखना, और बहुत जल्द आपको बता दें काफी जो जिले ऐसे जहां पर वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई, बहुत सी एनएम बहनें हैं जिनको वैक्सीन लग भी गई है और कोई भी अभी तो फिलहाल साइड इफेक्ट उसके देखने को नहीं मिले हैं और ना ही किसी को बुखार या किसी अन्य तरह का कोई कुछ भी हुआ। देखो, वैक्सीन तब लगाई जा रही है, इस पर तमाम ट्रायल तो पहले से ही हो चुके हैं, तो साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ये लगवाई जा रही है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आगे आपको बता दें, ये देख लीजिएगा, आशा बहुओं को दिया गया है प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण भी रूपईडीह वगैरह से हुआ है और यहां पर भी आशा बहुएं जो है उनको यहां पर COVID-19 का प्रशिक्षण दिया गया, इसीलिए COVID-19 का जो टीका है ना वो लगने वाला बहुत जल्द काफी जगह पहुंच भी गया, लगना भी शुरू हो गया है, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आगे ले चलते हैं, आपको और बताना चाहेंगे, 8 आंगनबाड़ी व 8 सहायिका वगैरह बर्खास्त कर दी गई है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला, आपको बता दूं यहां पर बहुत ही जल्दी एक ये खबर देखने में आई कि 8 आंगनबाड़ी और 8 सहायिका एक साथ जो है यहां पर बर्खास्त कर दी गई है। डीपीओ ने उन कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की मांगी है पत्रावली, तो जो है लगातार वो लोग गायब रहती है, इसलिए ये मामला देखने को आया, तो इसीलिए अपना केंद्र पर जाते रहे, समय पर पहुंचते रहे। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल हमेशा आपको अवगत कराता रहता है कि केंद्र पर जाइए, क्या करिए, जो भी आवश्यक निर्देश आते रहते हैं वो आपको पूर्व में बहुत बार हमने बताए हैं, फिर भी अगर कोई ना देखे ना समझे तो फिर ये हम उसमें और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, ये वोटर लिस्ट में संशोधन की अंतिम तिथि आज है, ऐसा करके एक आर्टिकल छपा हुआ था, शोभा रानी बहन ने भेजा हुआ था, और ये देख लीजिएगा, गाजीपुर जो जनपद है वहां से खबर छपी हुई थी, इसमें था कि
जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का संशोधन को लेकर के, लेकिन इसमें तारीख नहीं लिखी हुई है और यहां पर 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई थी, तो 1 जनवरी हो चुकी है अभी, तो आपका 7 जनवरी काफी पुराना मैटर हो गया, लेकिन अब फिलहाल के लिए जो भी था वो हो गया। अब प्रधानी का चुनाव आ रहा है, आप भैया अपनी अपनी कमर कस लीजिएगा, बहुत सारी आंगनबाड़ी बहने भी प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दें एक ये खबर आई है हमारे पास, यहां पर जो है गुलशन आरा बहन है, जिला वगैरह उनका पूर्णिया है, प्रखंड रुपौली बिहार वगैरह से, उनके वहां से देखो ये जानकारी मेरे पास आई है, बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर निकला था 4 जनवरी को, अभी निदेशालय से लेटर जारी है, आप लोग यहां पर एक बार देख सकते हो उसकी झलक, और तमाम लोगों को यह भेजा भी गया है। इसके अलावा नीचे इसमें लिखा क्या है कि वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में जो है राज्य अभिसरण कार्य योजना का जो अनुसरण है उसके मूल्यांकन के प्रपत्र के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। तो यहां पर बोला गया है कि मुख्यालय जो है प्रपत्र की प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राज्य अभिसरण कार्य योजना में अपने विभाग से संबंधित निर्धारित मानक मानदंडों की प्रगति मूल्यांकन प्रपत्रों में उपलब्ध कराने हेतु जो है जो आपके पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे, आगे ले चलते हैं, ये अधिकारियों के लेवल के स्तर का यानी लेटर है, आगे आप देख लीजिएगा। ये रहा 28 दिसंबर को जारी किया हुआ एक लेटर, बरेली जनपद में निकला था और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जुड़ा हुआ निकला था। अभी आपको हमने इसके बारे में बताया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जुड़ी हुई जानकारी आपको पूर्व में सरकारी आदेश निदेशालय से जारी वाला दिखाया जा चुका है, तो आपको बार बार उस मैटर पर नहीं बताया जाएगा। अगला आप यहां पर लेटर पढ़ लीजिएगा, आजमगढ़ जिले में भी 4 तारीख को एक लेटर जो है वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निकाला है, आंगनबाड़ी बहनों आपकी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, तो आजमगढ़ में भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है आंगनबाड़ी बहनों की, और यहां पर आप देख लीजिएगा ये रही ट्रेनिंग को लेकर के जानकारी। यहां पर शायद 6 तारीख से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है आजमगढ़ जिले में, जिसमें से मैं आपको नाम बताते चले जा रहे हैं फटाफट, आप लोग इस पर जो है थोड़ा ध्यान देना। श्रीमती सुशीला बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अहरौला वगैरह में है। इसके अलावा आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता सिंह बहन, ये अतरौलिया वगैरह में है। इसके अलावा आपको बता दें यहां पर जो अगली आंगनबाड़ी बहन का नाम है वो है आपकी लीला शर्मा, जो है आपकी अजमतगढ़ वगैरह में। इसके अलावा आपकी आंगनबाड़ी बहन है सारिका जायसवाल, जो आपकी बिलरियागंज वगैरह से है। इसके अलावा जो अगली आंगनबाड़ी बहन है राजकुमारी, जो आपकी फूलपुर वगैरह से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी बहन जो है आपकी कंचन मिश्रा हरैया से हैं। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी बहन सुनीता राय, जो कि जहानागंज से हैं। ये आंगनबाड़ी बहनें ट्रेनर के रूप में हैं आपके आजमगढ़ जिले में। इसके अलावा और भी बहनें हैं आजमगढ़ में, जैसे आपको बता दें इसमें देख लीजिएगा, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोयलसा से है एक आपकी नीतू पांडे। इसके अलावा आंगनबाड़ी है निर्मला मौर्य, जो कि लालगंज से है, और इसके अलावा एक आंगनबाड़ी जो बहन है वो है आपकी स्नेह प्रभा, जो महाराजगंज वगैरह से है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहन है आपकी हेमा गुप्ता, जो आपकी मार्टिनगंज से। इसके अलावा एक और आंगनबाड़ी है आपकी अंजलि तिवारी, जो आपकी मेहन नगर से है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका पड़ता है जो है एक मिर्जापुर वगैरह, ये ब्लॉक है, ये आपका जिला नहीं बता रहा हूं मिर्जापुर, तो यहां किरण राय है आंगनबाड़ी, ये भी ट्रेनर के रूप में है। इसके अलावा एक है वंदना मौर्या, जो मोहम्मदपुर वगैरह से है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी भी मोहम्मदपुर वगैरह से है। इसके अलावा आपकी जो आंगनबाड़ी बहन है वो है प्रियवंदा वगैरह नाम लिखा हुआ, जो कि पलहना से है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिमा यादव है, जो कि पलहनी से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी है व्रजमा तिवारी, जो कि पवई से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी है सीमा यादव, जो कि रानी की सराय से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी बहन जो है वो आपकी रीता मौर्य है, सठियाओं वगैरह से हैं। तो यहां से इतनी बहनें हैं, दो यहां पर जो है बैच बनाए गए हैं 20-20 बहनों के, इनमें से ये आपके चार चार जो है हर एक ब्लॉकों से चार चार लोग लिए गए हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, नीता बहन ने जानकारी भेजी है, और ये मास्टर ट्रेनर के रूप में बहनें जो है वहां पर चुनी गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं यहां पर देख लीजिएगा, लगे हाथ ये भी, इसमें आंगनबाड़ी बहन उर्मिला देवी, जो आपकी पढ़ती है तहबररपुर वगैरह से। इसके अलावा आपकी आंगनबाड़ी बहन है रिंकू कश्यप, जो कि तरमा वगैरह से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी बहन है साधना राय, ठेकमा वगैरह से है। अगली आंगनबाड़ी है नीतू पासवान, ठेकमा से है। इसके अलावा अगली आंगनबाड़ी जो बहन है वो आपकी फूलमती है, वो है आपकी नगर क्षेत्र से। तो ऐसे करके आंगनबाड़ी बहनें हैं, इनको भी नाम हमने आप लोगों को गिना दिए हैं। अगला है नामित प्रशिक्षकों की सूची, जो लोग उनको ट्रेनिंग देंगे उसमें आने वाले जो अधिकारी हैं उनके नाम यहां पर दे दिए गए हैं, जिसमें सीडीपीओ हैं, सुपरवाइजर हैं, और डाइट वाले प्रवक्ता हैं, एसआरजी वाले हैं, ऐसे करके लोग उसमें शामिल किए गए। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते और आपको बता दें एक और जानकारी मेरे पास आई थी, ये कच्चे राशन वितरण में हो रही घपलेबाजी से जुड़ी हुई है। यहां पर आंगनबाड़ी बहन ने लिखा हुआ कि वितरण वगैरह में उनको समस्या आ रही है, इनके 61 लाभार्थी हैं और इनको जो है राशन कम मिल रहा है। उनका कहना है समूह के पास जो है यहां पर ग्राफ जो है प्रारूप जो गेहूं का है वो सब है 188 किलो और चावल वगैरह 28 किलो वगैरह भी है, और पर जो है यहां पर बचा हुआ जो लाभार्थी का वितरण वो नहीं उन्होंने किया है, तो यहां पर इसके बारे में वो परेशान है। हमने आप सबको शिकायत के नंबर भी दे दिए थे, मैंने आंगनबाड़ी बहनों को भी दिया, लाभार्थियों को भी दिया, हर एक को दिया, जिसको समस्या है वो अपना उस पर बात करे और फोन करे। वहां से भी अगर ना समस्या हल हो तो आप चाहो तो अपने जो अपने सबूत इकट्ठा करो, अगर गलत हो रहा है अपने आगे की कार्रवाई के लिए आप अपना भी थोड़ा कदम बढ़ाइए। अगर आप घर से निकलेंगी कदम बढ़ाएंगी तभी आपका हर कोई सहयोग कर पाएगा, वरना आप ही अपने कदमों को अगर पीछे ले लेंगी तो फिर कौन मदद करेगा, जो करेगा वही बेचारा आगे जो है चलता चला जाएगा। इसके अलावा आपको यही कहना चाहेंगे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे थे, आज का वीडियो बहुत जल्दी में था, काफी सारी खबरें थी, धीरे धीरे करके आप तक पहुंचानी है, अगला वीडियो भी जल्द आप लोगों के लिए हम लेकर के आने वाले हैं। और सुधांशु